नमस्कार दोस्तों, इंडियन विलेज फूड रेसिपी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैगी और चना दाल को आलू के अंदर भरकर एक बहुत ही चटपटा और मजेदार आलू पोंडा बनाने वाले हैं। इसे आप शाम के नाश्ते में बनाकर ट्राई कर सकती हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट होता है। इससे पहले दोस्तों, आपने YouTube पे ये रेसिपी नहीं देखी होगी, ये बहुत ही डिफरेंट और यमी आलू मैगी बोंडा है। तो चलिए हम लोग रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चूल्हे में आग जलाएंगे। अब चूल्हे पे हम कुकर को चढ़ाएंगे। कुकर में हम 5 बड़े साइज के आलू को डालकर उबाल लेंगे। आलू जब उबल जाएगा तो आलूओं को हम छील लेंगे। अब इन आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। वैसे आपको जितना तीखा रखना है उतना आप इसमें लाल मिर्च पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1.5 छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है और 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच हल्दी लेंगे। अब इन सारे मसाले को हम मैश किए हुए आलू में डालेंगे और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से आलू में मिक्स करेंगे। अब हम बोंडे का भरावन तैयार करेंगे। बोंडे का भरावन हम चना दाल और मैगी से बना रहे हैं। अब हम मैगी को बॉईल करेंगे। चूल्हे में आग जलाएंगे और चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई में अब 1 मध्यम ग्लास पानी डालेंगे। पानी को उबलने देंगे। पानी जैसे ही उबलने लगेगा इसमें हम मैगी को तोड़कर डालेंगे। अब हम मैगी को चम्मच से लगातार चलाते हुए बॉईल करेंगे। मैगी मसाला अभी नहीं डालना है, मैगी मसाला मैगी को फ्राई करते टाइम में डालेंगे। मैगी जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो हम मैगी को पानी से निकाल लेंगे। कढ़ाई को फिर से चूल्हे पे चढ़ाएंगे और कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ हमने सरसों का तेल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकती हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो तेल में 1 चुटकी हींग डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से महीन महीन काट कर डालेंगे। 1 बड़े साइज के प्याज को महीन महीन काट कर डालेंगे। कम आंच के प्याज को छलनी से लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब कढ़ाई में हम चना दाल जो हमने भिगोया था उसे डालेंगे। प्याज और चना दाल को चलाएंगे और कम आंच पे कढ़ाई को ढककर चना दाल को थोड़ा पकने देंगे। अब प्याज और चना दाल में हम मसाला डालेंगे। मसाले में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको जितना तीखा रखना है उतना आप इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च के पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं।
एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और कढ़ाई को ढककर चना दाल को अच्छी तरह से पकने देंगे। कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और छलनी पर एक चना का दाल निकालकर हाथ से तोड़कर देखेंगे। अगर ये चना का दाल टूटने लगे तो इसका मतलब चना दाल पक चुका है। अब दाल में हम मैगी मसाला डाल देंगे। मैगी मसाला डालने के बाद हम चना दाल को एक मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम अपना बॉईल किया हुआ मैगी चना दाल में डाल देंगे। आंच को कम ही रखना है। मैगी डालने के बाद चना और मैगी को लगभग एक मिनट तक फ्राई करेंगे कम आंच पे। इसके बाद इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब मसाला डाल के जो हमने आलू का चोखा बनाया था उसकी हम इतनी बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। अब आलू मसाला की लोई में चना और मैगी का भरावन जो हमने तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा लेकर भरते जाएंगे और बोंडे की शेप में इस प्रकार से बनाते जाएंगे गोल गोल। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल तैयार करने के लिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है ये सब। एक छोटा ग्लास चना का बेसन लेंगे, स्वादानुसार नमक लेंगे, डेढ़ छोटा चम्मच धनिया का पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे, डेढ़ छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे, 6 से 7 करी पत्ता को लेंगे। बेसन को हम किसी बड़े बॉल में डालेंगे और एक एक करके सारे मसाले अब बेसन में डालते जाएंगे। कड़ी पत्ता को हम महीन महीन काट कर डालेंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम फेंटेंगे। बेसन में गांठ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बेसन का मोटा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसलिए जब भी आपको रेसिपी बनानी होगी तो बेसन के घोल को पहले मोटा ही फेंटिएगा। उसके बाद फ्राई करते टाइम में बेसन के घोल में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला करिएगा। कढ़ाई में अब तेल डालेंगे। तेल हमें कढ़ाई में इतना डालना है कि बोंडा फ्राई करते टाइम में तेल में डुबा रहना चाहिए। बेसन का घोल पानी डालकर इतना पतला कर लेंगे। तभी हमने बेसन का घोल मोटा इसलिए फेंटा था क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। अगर तभी बेसन का घोल हम पतला फेंट लेते तो नमक के पानी छोड़ने के बाद बेसन का घोल और भी ज़्यादा पतला हो जाता। इसलिए पहले बेसन के घोल को मोटा ही फेंटना चाहिए। उसके बाद जब आपको रेसिपी बनानी हो तभी थोड़ा पानी डालकर बेसन के घोल को पतला करना चाहिए। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल अगर कच्चा रह जाएगा तो बोंडा टूट सकता है, इसलिए तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना हमें। तेल जब गर्म हो जाएगा तो बोंडे को बेसन में डिप करते हुए हम तेल में इस तरह से डालते जाएंगे।
अब मध्यम आंच पे हम बोंडे को दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। बोंडा को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस में हम सारे बोंडे को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना डिलीशियस और मजेदार चटपटा हमारा आलू और मैगी बोंडा बना है। इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, ये इतना स्वादिष्ट लगता खाने में। इसे बनाने के बाद आप समोसा का भी स्वाद भूल जाएंगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को घर में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी माँ के हाथ की बनी हुई ये आलू और मैगी का बोंडा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरी माँ के हाथ की बनी हुई नई नई रेसिपी को घर में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा।